कभी-कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है, हूबहू वैसा पहले भी हो चुका है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं और किसी जनरल टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अचानक से आपको लगता है कि मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, उसी जगह पे उसी दोस्त के साथ। या फिर आप पहली बार किसी शहर जाते हैं और वहाँ आपको किसी दुकान को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं, जबकि आप वहाँ पहली बार गए हैं। इस परिस्थिति को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पहले से देखा हुआ। डेजा वू का अनुभव साधारण है, लगभग 2/3 जनसंख्या यानी कि 60% लोग इसका अनुभव करते हैं। 15 से 25 साल की उम्र के लोगों में इसका अनुभव अधिक होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसका अनुभव कम होता जाता है। डेजा वू का होने का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है, पर इसको समझाने का प्रयास करने वाले सिद्धांत काफ़ी हैं। इनमें से मुख्य सिद्धांतों की आज हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत। इस सिद्धांत की माने तो डेजा वू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक कभी कभी हम सोने से पहले कुछ बातें सोचते हैं जो कि हमारे सपने में तब्दील हो जाती हैं। असल में हम जो सपने देखते हैं वह हमारी निजी ज़िंदगी से काफ़ी मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने सपने में देखा कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी दोस्त के साथ कोई बात कर रहे हैं। चूंकि यह सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, इसीलिए हमारा दिमाग इनको यादों के रूप में संजो कर रख लेता है। बाद में जब असल ज़िंदगी में हमारे साथ वैसे ही कुछ घट रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह सब हमने पहले भी देखा है। दूसरे सिद्धांत का संबंध पूर्व जन्म से है। कई लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि डेजा वू के पीछे की वजह हमारे पूर्व जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि हम मरने के बाद एक नया जन्म लेते हैं और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम अपने पूर्व जन्म के बारे में भूल जाते हैं, पर हमारी नई ज़िंदगी में हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ यादें रखता है। ऐसे में जब हम पिछले जन्म से जुड़ी किसी चीज़ को देखते या महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि ये सब हमने पहले भी कहीं देखा है। ऐसे में हमें डेजा वू होता है। तीसरा सिद्धांत। जब आपको कुछ नया देखकर उसका जाना पहचाना होने का आभास होता है और आपको पता होता है कि ये आभास झूठा है, इसका कारण है कि उस स्थिति के कुछ तत्व जाने पहचाने होते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त के घर पहली बार जाते हैं और उनके घर में आपकी नानी के घर की तरह सेम किचन टेबल है, तो आपको उस जगह का जानी पहचानी होने का मजबूत आभास होता है, बिना जाने कि आपने ऐसा पहले भी कहीं देखा है। और इस उलझन में आपको लगता है कि आप इस जगह पहले भी आए हैं या आप इस जगह को जानते हैं। आखिरी सिद्धांत। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में जब तंत्रिका कोशिकाओं की गति में परिवर्तन होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं की गति या तो बहुत बढ़ जाती है या फिर साधारण गति से कम हो जाती है, तो तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस वजह से बाहरी जानकारी जो कि आपकी आंखों से दिमाग तक पहुंचती है की गति में परिवर्तन आता है। मान लीजिए जानकारी आपकी दाई आंख से दिमाग में बाई आंख के हिसाब से जल्दी गई है। ये सब इतना जल्दी होता है कि बाई आंख की जानकारी याद नहीं बन पाती है, और जैसा कि आपके दिमाग को जानकारी दो बार मिलती है तो आपके दिमाग को लगता है कि आप इसका अनुभव पहले भी कर चुके हैं। इस स्थिति में आपको डेजा वू होता है। क्या आपने भी कभी डेजा वू का अनुभव किया है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए बीरवल इन्फो प्लस को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मैं करण थपलियाल, आप देख रहे थे बीरवल इन्फो प्लस। ज्ञान महत्वपूर्ण है।